क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी वीडियो पे लगभग 50, 100, 150 व्यूज आके और बंद हो जाते हैं व्यूज आना शॉर्ट्स पे या लॉन्ग वीडियोस के ऊपर? ऐसा सब किसी के साथ हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बताएंगे, और कि क्यों होता है इसके बारे में बताएं, और इससे हम कैसे बचे, कैसे हमारे वीडियो पे व्यूज आए इसके बारे में भी हम बताएं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि मेरी खुद की वीडियो के ऊपर 50, 100, 150 व्यूज आ रहे हैं, इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। अब ऐसे बहुत से छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा होगा कि उनकी वीडियो के ऊपर 50, 100, 150 व्यूज आ रहे होंगे, बट वो लोग परेशान होकर अपना कंटेंट को छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को वीडियो अपलोड करते समय अच्छा टाइटल लगाना होता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, अच्छा थंबनेल लगाना होता है, अच्छा हैशटैग लगाने होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक करती है। ये सब चीजें तो हो जाती हैं आपकी जो लॉन्ग वीडियो के ऊपर। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर आते हो तो शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर आप आते हो तो कैसा थंबनेल लगाओगे वो भी आपको नहीं मालूम। थंबनेल किस तरीके से लगाना है, शॉर्ट्स में तो मेरे ख्याल से थंबनेल लगता ही नहीं है। बहुत से यूट्यूबर्स का मैंने सुना है कि शॉर्ट्स में थंबनेल लगता है, बट लगता है वो किस तरीके से लगता है, वो उसी में से वीडियो में से क्लिप एक लग जाती है, छोटी सी एक स्क्रीनशॉट होके वो थंबनेल लग जाता है। वो खुद यूट्यूब सजेशन करता है कि आपको ये लगा लेना चाहिए। अब उसमें हैशटैग लगाना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। शॉर्ट्स में तो ज्यादातर देखा है आप लोगों ने भी कि बिना डिस्क्रिप्शन, बिना थंबनेल, बिना उसके सीधा अपलोड हो जाते हैं शॉर्ट्स। टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल ऐसा होना चाहिए शॉर्ट्स, एकदम शॉर्ट्स का मतलब कि एकदम शॉर्ट होना चाहिए। किसी चीज को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो आप तो वो एकदम इतना छोटा होना चाहिए कि वो देख, अगर कोई पढ़े ना ऑडियंस आपकी तो उस वीडियो को पूरा वॉच कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब जो लॉन्ग वीडियो के ऊपर हम लोग देखते हैं तो हम लोग तो ये तीन चीज कर लेते हैं, थंबनेल लगा लिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, इन सब चीजों के ऊपर हमारा अच्छा खासा रिटेंशन आ जाता है। बट अगर मान के चलो आपका जो है शॉर्ट्स के ऊपर है, शॉर्ट्स के ऊपर तो ये सब चीजें नहीं लगा पाते हो, सिर्फ एक छोटा सा टाइटल लगा देते हो, वीडियो के बारे में स्क्रीन पर कुछ दिखा देते हो कि यहाँ किस चीज के बारे में दिखा रहे हो, जैसे स्क्रीन के ऊपर सीधा लिखा दिया कि आज यूट्यूब के बारे में समझा रहे हैं, या इस बच्चे ने इस तरीके से किसी की जान बचाई, एक छोटा सा येलो लाइन स्क्रीन कस के और हम उसके ऊपर लगा देते हैं, तो उससे हमारा जो है वीडियो वायरल हो जाती है। बट कभी कभार ऐसा होता है, बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैं जो टिप्स देता हूँ ना वो बहुत वर्क करती है, जो मैं बताता हूँ ना कैसे लगाना है वीडियो वो एकदम 101% वर्क करती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो प्लीज मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपके पास इतने व्यूज आ रहे हैं तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, आपके पास जो माइंड है, आपने जो डिस्क्रिप्शन जो आपने सोच के लिखा था, आपने वीडियो बनाई जिस सोच में, वो आपके माइंड से आया है। ये नहीं कि आपने जो बोल दिया कि मेरे को टिप्स पता है, यूट्यूब का हैक पता है, मैंने यूट्यूब को पकड़ रखा है, एल्गोरिज्म को मैंने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिज्म आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ और इसको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस चीज को बताया है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको हम लोगों ने यूट्यूब के को हमने पकड़ रखा है या हमने हैक कर रखा है। अगर ऐसा होता तो किसी उनके एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, कोई ऐसी वीडियो होती है कि उनके सिर्फ लाखों में व्यूज आते हैं, या कोई ऐसी वीडियो होती है जो 5-5 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। तो मिलियंस पे जाने का व्यूज का कारण क्या होता है? कारण यही है, कोई बड़ा कारण नहीं है। उन्होंने जो कंटेंट बनाया ना वो कंटेंट बहुत जबरदस्त है, वो एकदम न्यू कंटेंट है, किसी का कॉपी करा हुआ कंटेंट नहीं है, किसी से चोरी करके कॉपी में लेके आए हुए अपनी वीडियो में अपलोड करा हुआ कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से उनकी वीडियो वायरल होती है। और ऐसा नहीं है कि उनकी हर वीडियो 5 मिलियन व्यूज पे जा रही है, नहीं, उनकी कोई ऐसी भी वीडियो होती है जो 1 लाख व्यूज पे रुक जाती है, और कोई ऐसी भी वीडियो होती है जो 5 मिलियन प्लस चली जाती है व्यूज। तो वो लोग भी बोलते हैं जो बड़े यूट्यूबर्स है कि हमें भी कोई हैक नहीं पता, हमारा जो माइंड है, हमने जो वीडियो बनाई है, जो हमने वीडियो शूट करी है ना, उसके ऊपर हमारे जो व्यूज आए हैं। और बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि नहीं, मुझे टिप्स पता है या मुझे ट्रिक पता है, कैसी ट्रिक्स होती है जिसके वजह से, ये ट्रिक लगा लो यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपके चैनल पे लाखों व्यूज आएंगे, आपके चैनल पे हजारों व्यूज आएंगे, तो उस पर कुछ नहीं आता और बेफालतू में आपका चैनल जो है बेकार हो जाता है और आप डीमोनेटाइज हो जाते हो, आपको माइंड पे काम करने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि आपने तो माइंड लगा दिया मैंने तो एक टिप अपनाई है, टिप्स अपनाई है, उस टिप्स के ऊपर काम करूंगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना माइंड नहीं लगा रहे हो कि मुझे कौन सा कंटेंट यूट्यूब पर डालना है, ऐसा कौन सा कंटेंट डालेंगे जिसकी वजह से हमारी वीडियो वायरल हो सकती है, ऐसा कौन सा कंटेंट डालेंगे जिससे हमारी वीडियो के ऊपर अच्छे लाखों से व्यूज जो आ रहे हैं वो सीधा मिलियंस में चले जाएं।
तो हम लोग क्या करते हैं, यही हमारी एक सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग अपनी वीडियो के ऊपर सही से ध्यान ही नहीं देते, अपने कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते। और खासकर एक गलती सब यूट्यूबर्स करते हैं, ये गलती मैंने भी करी है। गलती क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन हमने वीडियो शूट कर ली और 10 दिन तक वीडियो शूट नहीं करी, जिसकी वजह से हमारा जो ऑडियंस रिटेंशन होता है ना वो डाउन हो जाता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऑडियंस रिटेंशन ये होता है जो कि हमारी ऑडियंस देख रही है, न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, ओल्ड व्यूअर्स देख रहे हैं, किस टाइम देखते हैं, कितनी एज तक के लोग देखते हैं, ये हमारा सिर्फ वाइट स्टूडियो है जो हमें बताता है। और जिसकी वजह से हमें ना हार नहीं मानना, अगर हमारे व्यूज नहीं आ रहे ना, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो आपको वीडियो क्वालिटी पे ध्यान देना है, वीडियो के टाइटल पे ध्यान देना है, वीडियो का किस तरीके से वीडियो बनानी है उसके ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं कि हाँ कोई टिप्स अपना ली, उस टिप्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खासकर अपनी वीडियो पे ध्यान दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें।